मॉर्निंग चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो जी आज हम अपना करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक टू का बुक वर्क करेंगे, ठीक है, अपना रेनबो यूनिट का। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 10। आपकी बुक का ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक जो है इसका पेज नंबर 9 हम पहले करेंगे। इसका पार्ट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, ठीक है। पार्ट टू में आ रहा है व्हाट आर दे, फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोइम। ये हमें कुछ जो क्लू दिए गए हैं हमने पता लगाना है, यानी ये देखना है कि इसका क्या बनता है वर्ड, ठीक है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है बेटर लुकिंग, बेटर लुकिंग मतलब बहुत अच्छा दिखने वाला, तो इसका हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीटियर, ठीक है। आप भी पेंसिल से ही राइट करेंगे प्यारा सा, और वो पॉइंटर से मैंने क्वेश्चन आंसर राइट किए हैं, लेकिन आप अपनी पेंसिल से ही राइट करेंगे, डिक्टेशन वर्ड भी और क्वेश्चन आंसर भी। बी पे आ रहा है द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, हम किस प्लैनेट पर रहते हैं, ये तो बहुत इजी है, अर्थ, ठीक है। उसके बाद सी पे आ रहा है इट इज बिल्ड टू क्रॉस ओवर अ रिवर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रिज, BRIDGE, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है वी कैन सेल इन डीज, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप शिप्स भी लिख सकते हैं और बोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही, दोनों में ही बैठते हैं। उसके बाद आ गया वाइट एंड फ्लफी, ठीक है, इट फ्लोट्स इन द स्काई, आसमान पर तैरते हैं और क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और नरम होते हैं, तो ये क्या है, क्लाउड, CLOUD, यानी बादल, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, देखें पार्ट बी, वर्किंग विद वर्ड्स, ये क्या करना है हमने, ये बहुत ही मजे का काम है, ज्वाइन अ वर्ड इन ए विद अ वर्ड इन बी टू मेक अ न्यू वर्ड, यानी हमने ए से एक वर्ड लेना है, उसको बी से ज्वाइन करना है और एक हमारा कंप्लीट वर्ड बन जाएगा। जैसे देखें अगर ये हमारा वर्ड आ रहा है हेयर, तो हेयर को हम देखेंगे यहाँ पे हम किस से मैच करेंगे, यस पिन से, तो हम यहाँ पर इसको नीचे मैंने लाइन ड्रॉ की है, आप भी इसी तरह नीचे लाइन्स ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके तकरीबन ये वर्ड्स पेयर बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप इसके नीचे 7 लाइन्स ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने फर्स्ट जो पेयर बना के यहाँ पे लिखा है हेयर पिन, इसके आगे हम दूसरा बता देते हैं आपको, क्लास, क्लास के साथ एग्जैक्टली यस हम लगाएंगे रूम, तो ये एक हमारा पूरा पेयर बन गया, हम यहाँ पे राइट कर देंगे क्लास और इसके साथ ही हम लिखेंगे क्या, रूम, ये आपका दूसरा पेयर बन गया क्लासरूम। इसी तरह पोस्ट के साथ क्या आएगा, यस कार, पोस्ट कार्ड। देन नेक्स्ट इज शू मेकर, ठीक है, डोर, डोर के साथ क्या लगाएंगे, हाँ जी इसके साथ जो है आप लगा देंगे वे, डोर वे, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट बुक, ठीक है, और हैंड कर चीफ, ये आपके 7 पेयर्स हो गए, ठीक है। आपने ये क्या करने हैं, इसी तरह नीचे लाइन 7 लाइन्स ड्रॉ करनी है और इनको वहां पर प्यारा सा राइट कर देना है। ओके नाउ लुक एट योर पेज नंबर 10। आपका फर्स्ट जो आ रहा है इसमें आ रहा है नाउन्स, ठीक है, ये हमें पता है कि नाउन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। आपने इसको 1 में भी और उर्दू में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन यानी इसम कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। अब ये जो लिखा हुआ है अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द फॉलोइंग, यानी नीचे हमें एक पैराग्राफ दिया गया, उसने कहा है कि उसमें सिर्फ जो नाउन्स हैं उसको हमने अंडरलाइन करना है। जैसे सबसे पहले आ रहा है टाइनी टिम वॉज प्लेइंग इन द किचन, अब ये देखें इसमें टिम आ गया नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना, और किचन क्या आ गया, नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है ना, इसको हम इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है ही स्टूड ऑन अ चेयर नेक्स्ट टू द सिंक, इसमें अब आप देखें कि सिर्फ चेयर नेम ऑफ अ थिंग आ गया, ठीक है, और सिंक भी थिंग का ही नेम है। अब आगे आ रहा है वाटर वॉज कमिंग आउट ऑफ द टैप, अब इसमें हम क्या करेंगे, किस किस को करेंगे, इसमें हम अब कर देंगे वाटर को और टैप को, उसके बाद ये अब आप खुद आगे से करेंगे, ठीक है ना। ही पुट हिज थंब अंडर द होल इन द टैप,
इसमें हम फिर किसको कर देंगे, थंब को और होल और इसके बाद टैप को. द वॉटर वेंट ऑल ओवर द फ्लोर, ठीक है, वॉटर को कर देंगे और फ्लोर को. इट वेंट ऑल ओवर द हेड, ओवर हिज हेड टू, और फिर हेड को कर देंगे. ये तो बहुत ईजी है, आप साथ साथ इसको पढ़ते जाइएगा ताकि आपको साथ साथ समझ भी आ जाए और आप इसको अंडरलाइन भी कर दें. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट बच्चों आ रहा है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है. इसमें आ रहा है फाइंड ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम, लिस्ट द वर्ड्स इन योर नोटबुक. ये आपने अपनी नोटबुक पर क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स को फाइंड करके पोइम में से राइट करना है, ठीक है. तो इसमें जैसे आपका इतने कुछ ज़्यादा नहीं, ये बहुत ही ईजी काम है. जैसे अब आप देखें, अगर मैं ये आपका ये पोइम निकाल रही हूँ तो इसमें आपका शुरू में ही आ रहा है, ये देखें सीज डीज, ये दोनों राइमिंग है, सीज डीज, देखें ना एक जैसी साउंड आ रही है. उसके बाद अगर मैं देखूँ तो इसमें आ रहा है प्लीज प्लीज ट्रीज, ठीक है ना, प्लीज ट्रीज, यानी दोनों की साउंड जो है वो एक जैसी आ रही है. उन्होंने कहा जी पोइम में आपने इसी तरह अपने राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो सारे फाइंड करने हैं. अब इसमें अगर हम देखें तो प्लीज ट्रीज और डीज भी आ सकता है ना, आ सकता है ना. तो ये जस्ट आपका ओरल है, ये आपकी ओरल प्रैक्टिस जो है ये होनी चाहिए, आप इसको अपनी नोटबुक्स पर राइट नहीं करेंगे, ठीक है. उसके बाद आ रहा है आपका जो अप करने वाला काम है वो है वर्क विद द क्लासमेट, थिंक ऑफ वर्ड्स टू राइम विद दोस बिलो, लिस्ट देम इन योर नोटबुक. ये भी आप क्या करेंगे, नोटबुक पर राइट नहीं करेंगे, इसके आगे ही अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके आगे आप अपना राइमिंग वर्ड राइट करेंगे, ठीक है ना. ये देखें ऐसे, जैसे आप ये पेन है तो पेन के कहीं राइमिंग वर्ड्स आप लिख सकते हैं. जैसे इसमें हैन भी हो सकता है, हैन टेन भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से. उसके बाद आप इसका आप जो राइमिंग वर्ड राइट करेंगे वो आप वन वन ही राइट करेंगे, ठीक है ना. ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दो दो बता दिए, यानी कि इसमें आप वन वन इसके आगे लिखते जाएंगे लाइन ड्रॉ करके. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दो तीन लिखें, लेकिन जो मर्जी अपनी मर्जी के आप लिख सकते हैं. अब जैसे आगे मैन आ रहा है तो मैन के आगे भी जैसे आप पेन लिख सकते हैं, कैन लिख सकते हैं, लॉग है, लॉग का आप डॉग हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, बन इसका आप रन भी लिख सकते हैं, फन भी लिख सकते हैं, गन भी है, फिर टिन है. इसी तरह आपने इसके आगे एक एक राइमिंग वर्ड जो है सबके आगे इसी तरह लाइन लगा के नीट लिखते जाना है. उसके बाद नीचे उन्होंने दिए हैं डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है. डिफिकल्ट वर्ड्स मतलब ये है कि थोड़े से उनसे मुश्किल है, इनके राइमिंग वर्ड्स थोड़े से ढूंढने ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, बट नो प्रॉब्लम फॉर यू, आप इसको कर सकते हैं. पहला दिया हुआ है क्रो, इसका आप ग्रो लिख सकते हैं, थ्रो लिख सकते हैं, बैंड का सेंड हो सकता है, लैंड हो सकता है, बड मड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ईट का आप सीट लिख सकते हैं, बीट लिख सकते हैं, ठीक है ना. इसी तरह से आपने इनके फाइंड करके लाइन ड्रॉ करके आगे एक एक लिखते जाना है. इसके बाद आपके आ गया पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 पे आपके ऊपर दिया हुआ है वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, ये थोड़े और ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन इट्स ओके, आप कर लेंगे इनको. जैसे यू है, ठीक है, पहला वर्ड दिया हुआ है यू, तो इसके साथ यू का आप लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, फ्यू शू ब्लू ग्रू, यानी कि इसकी साउंड जो है आपने वो ध्यान रखना है कि साउंड कैसी आ रही है, साउंड पे ध्यान रखना है, ठीक है ना. इसी तरह जैसे आ रहा है आपका नेक्स्ट वर्ड रीड है, ये फीड लिख सकते हैं, सीड बीड लिख सकते हैं. इसी तरह से आपने आगे लाइन ड्रॉ करते जाना है और एक एक राइमिंग वर्ड को कंप्लीट आगे करते जाना है, ठीक है. इसके बाद है मेक योर ओन लिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम, ठीक है. जब आप ऊपर वाले की बुक वाला अपना सारा काम करेंगे तो फिर ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी. रीड द पेयर्स अलाउड, चूज एनी वर्ड एंड से इट अलाउड टू योर क्लासमेट. ये जब आप क्लास में आएंगे तो फिर हम इस काम को अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना. इसके बाद जो आपका लास्ट पार्ट आ रहा है ये है कंपोजिशन वाला, ये भी आप जब क्लास में आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो अपना बहुत प्यारा और नीट काम करना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.